39 नंबर शीट में एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ये कर लिया। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पहला एक्सप्रेशन था, इसमें ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, इसमें एम मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। इसके अंदर कुछ नोट हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में एनसीईआरटी में पूछी जा सकती हैं। पहली, मेटल हैव 10^28 पर मीटर क्यूब ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल के अंदर n छोटा n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके इक्वल तो नहीं कहूँगा, इसकी रेंज में रहते हैं। हालांकि ये नंबर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स और कंडक्टर्स से वेरी करता है, सबके सेम नहीं हो सकते, पर रेंज है, इस अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में रहते हैं। नेक्स्ट है, रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज मूव करते हैं, 10^5 मीटर पर सेकेंड, जबकि ड्रिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो है, 10^-5 मीटर पर सेकेंड। पर फ्री इलेक्ट्रॉन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो उसकी स्पीड रैंडम बहुत तेज होती है, पर नेट अमाउंट ऑफ करंट कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो रहता है। तो इसमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, मतलब एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन का जब तक वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका जो टाइम है वो क्या होता है, 10^-14 सेकेंड्स है, बहुत ही छोटा है। मतलब इलेक्ट्रॉन चला नहीं, एक सेकेंड के अंदर तो कितनी बार टक्कर मार चुका है, चल कम रहा है, टक्कर ज्यादा मार रहा है, 10^-14 इतनी छोटी है टाइम, तो टक्कर ही होती रहती है, कोलिजन पे कोलिजन ही होती रहती है, ठीक चल नहीं पाता स्मूथली। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर अगर आपने वायर का बढ़ा दिया तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन अब तेज मूव करेंगे, तेज मूव करेंगे उनकी टक्कर जल्दी हो जाएगी, जल्दी होगी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किसी भी कंडक्टर का क्या रहेगा, सेम रहता है, टेम्परेचर से ये चीज चेंज हो जाती है, ये आपने याद रखना है। ये हमने कर लिया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम कर चुके हैं, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं, और VDI/NA ये आपने फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला नोट कर लिया। इसके अंदर I अपॉन एरिया क्या होता है, J करंट डेंसिटी, तो ये भी फॉर्मूला नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में कि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो J क्या आएगा, NE इंटू VD। अब VD एक वेक्टर है, J एक वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म इसके इक्वल रहेगा, तो फॉर्मूला नोट कर लें। तो N का मतलब मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, और A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर।